नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश दाफड़ा। आज मेरे इस जन्म पर्व पर मैं आपको और क्या तोहफा दे सकता हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, फिर भी कुछ चुने गए शब्द लव्स जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। शायद ये शब्द पुष्प आपको भी पसंद आ जाए। दोस्तों, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, बस आप मुझे पहचानते हो, इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ये जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है दोस्तों, ये जिंदगी का फलसफा कितना अजीब है। शाम कटते नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, अगर जीत जाओ तो कई अपने लोग पीछे छूट जाते हैं, और अगर हार जाओ तो अपने ही लोग पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर मैं, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, बस चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझे कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं, पर सच कहता हूं कि मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत बदली और न दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुझे मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, क्यों खो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराई शाम हो जाती है। कितनी दूर निकल गए रिश्ते को निभाते निभाते, और खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं,
लापरवाह हूं, फिर भी सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कि कोई मोल नहीं मेरा, मालूम है कि कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता निभाता, रिश्ता रखता हूं। और उनमें से आप भी, जो आप पूरे धैर्य के साथ आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे समझ भी रहे हैं ना, उनमें से आप भी एक हैं। बस बस इतना ही, इतना।